हेलो वीवर्स स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्लेनेट में और आज के इस वीडियो में हम मैनेजमेंट ऑडिट को डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आर पी कॉलेज लेक्चरर एन टी नेट कॉमर्स और जो ऑडिट के एग्जाम आई वगैरह में होते हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में हम मैनेजमेंट ऑडिट के एम को डिस्कस करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं पहला क्वेश्चन है मैनेजमेंट ऑडिटर शुड हैव थोरो नॉलेज ऑफ किसका नॉलेज होना चाहिए एक मैनेजमेंट ऑडिटर को फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोडक्शन टेक्निक कॉस्टिंग सिस्टम ऑल ऑफ दी अबव तो जो ऑडिटर होता है और वो भी मैनेजमेंट ऑडिटर वो देखता है कि क्या मैनेजमेंट इफ़िशियंटली वर्क कर रहा है या नहीं उसकी इफिशियंटली को चेक करता है तो यहाँ उसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी देखना होगा कि कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है उसे प्रोडक्शन की टेक्निक देखनी होगी कहीं कोई लू तो नहीं है क्या बेटर तरीके से रिसोर्स को मैनेज किया जा रहा है या नहीं कॉस्टिंग सिस्टम को भी देखना होगा कहीं कोई चीज़ बढ़ा चढ़ा के तो नहीं दिखाई गई है कहीं कोई लू तो नहीं है कोई खर्चा छुपा तो नहीं लिया गया इस तरीके से मैनेजमेंट ऑडिटर को ये सारी चीज़ें चेक करनी होती है तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट ऑडिटर कैन रिकमेंड द मोस्ट सूटेबल सिस्टम फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ऑडिट परफॉर्म करते टाइम उसे इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करनी होती है ऐसे में उसे इन्फॉमेसन चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन का फ्लो क्या इंटरनली होगा एक्सटर्नली होगा सी इंटरनल और एक्सटर्नल बोर्ड एंड डी नन ऑफ दी अबाउ तो यहाँ आंसर रहेगा सी यानी दोनों तरीके से वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है क्योंकि उसे एक बेटर जो है इन्फॉर्मेशन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना होता है ताकि वो सूटेबल आपको क्या कर सके एविडेंस दे सके और एक अच्छी रिपोर्ट दे सके तीसरा क्वेश्चन होता है मैनेजमेंट ऑडिटर शुड हैव कन्वर्सेंट विद द नेचर यानी तक्ष होता है किस चीज़ में ऑफ अ प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन की क्या एक्टिविटी होती है तो ये वेल बिल्कुल सही है कि मैनेजमेंट ऑडिटर अपने काम में दक्ष होता है तो ट्री हो जाएगा अगला क्वेश्चन है मैनेजमेंट ऑडिटर शुड बी वेल जो है वेरस्ट किसके बारे में उसे अच्छे से जानकारी होती है मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी तो एक मैनेजमेंट ऑडिटर को इन सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए एक्सेप्शन का मतलब है आप किस तरह से जो काम अलग थलग पड़े हैं उनको अच्छे से काम करवा रहे हैं उनको जो है अपने ऑब्जेक्टिव के साथ कैसे मर्ज कर रहे हैं इंप्लॉयज़ वगैरह को प्रिंसिपल डेलीगेशन यानी अपने काम को किसी और को देना तो ये डेलीगेशन का अथॉरिटी अपनी अथॉरिटी किसी के साथ कर शेयर करना तो ये सारे का मैनेजमेंट ऑडिटर अच्छे से जानता है अगला क्वेश्चन फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट मैनेजमेंट ऑडिट मैनेजमेंट ऑडिट के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट है सही स्टेटमेंट आपको चूज़ करना है ऑप्शन ए है मैनेजमेंट ऑडिट इज मेड कंपल्सरी एंड स्टाचुरी तो क्या कंपल्सरी है या स्ट्राचरी है ऑप्शन बी मैनेजमेंट ऑडिट इज़ अ प्रोग्राम ऑफ वन ईयर ऑप्शन सी मैनेजमेंट ऑडिट कैन नॉट बी कंडक्ट बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन एंड डी नो टाइम लिमिट कैन बी फिक्स्ड फॉर सबमिशन द रिपोर्ट अंडर मैनेजमेंट ऑडिट तो बिल्कुल सही है कि जो लास्ट ऑप्शन है डी यानी आपके करेक्ट आंसर जो है वो डी होने वाला है कि यहाँ कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं है मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर रिपोर्ट को सबमिट करने की बाकी तीनों चीज़ें आपकी गलत हैं ऑप्शनल होती हैं ना तो स्टैचुरी है ना कम्पलसरी है और इसके अलावा मैनेजमेंट प्रोग्राम वन ईयर नहीं होता है और मैनेजमेंट ऑडिट कंडक्ट इंडिपेंडेंट पर्सन के द्वारा की जाती है यहाँ लिखा हुआ है कैन नॉट इस वजह से ये आपका थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा अगला है सिक्स क्वेश्चन कॉस्ट ऑडिट इज़ अ वेरीफिकेशन किसका वेरीफिकेशन है कॉस्ट रिकॉर्ड का टू एस्टिमेट द डैश इफिशियंसी ऑफ अ बिजनेस क्या एक्सटर्नल बिजनेस की इफिशियंसी देखने के लिए इंटरनल बिजनेस की इफिशियंसी देखने के लिए या दोनों की तरह या डी तो आप मैनेजमेंट की इफिशियंसी चेक कर रहे हो आप कॉस्ट ऑडिट कर रहे हो सॉरी यहाँ आपको क्या करना है कॉस्ट ऑडिट है वो वेरीफाई कर रही है कॉस्ट के रिकॉर्ड का तो कॉस्ट आप जनरली जो है इंटरनल डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व होता है तो यहाँ आप इंटरनल जो इफिशियंसी उसको चेक करेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा सेवन द मैनेजमेंट ऑडिटर वर्क बिगन्स मैनेजमेंट ऑडिटर का काम कब शुरू होता है आफ्टर द वर्क ऑफ स्टाचरी ऑडिटर एंड ऑप्शन बी बिफोर द वर्क ऑफ स्टाचुरी ऑडिटर बिगन ऑप्शन सी वेराइज करता है फॉर्म टू फर्म और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव तो जो मैनेजमेंट ऑडिटर होता है उसका काम आपका आफ्टर द वर्क ऑफ स्टाचुरी ऑडिटर जब स्टाचुरी ऑडिटर ने अपना काम खत्म कर दिया है उसके बाद मैनेजमेंट ऑडिटर देखेगा कि क्या मैनेजमेंट ऑडिटर जो है उसके काम अच्छे से परफॉर्म इफ़िशेंटली किए गए हैं इफेक्टिवली किए गए हैं या नहीं तो यहाँ पहले स्टाचुरी ऑडिटर अपना काम परफॉर्म करता है अगला क्वेश्चन है मैनेजमेंट ऑडिट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टैचरी ऑडिटिंग तो अब ये स्टेटमेंट सही है या गलत तो यहाँ आपका जो आंसर है वो हो जाएगा फॉल्स ये स्टैचरी ऑडिट का पार्ट नहीं है ये एक सेपरेट ऑडिट है जो कि उसके बाद परफॉर्म की जाती है अगला क्वेश्चन नाइन नंबर है मैनेजमेंट ऑडिट इज़ यूजफुल किसके लिए यूजफुल रहती है सजेशन फॉर टारगेट्स असिस्टेंट देता है मैनेजमेंट को गुड स्टाफ रिलेशन तो मैनेजमेंट ऑडिट ये सारी बातों को यूज़फुल बनाता है यानी आप सजेशन ले सकते हैं मैनेजमेंट के रिगार्डिंग टारगेट्स क्या डिसाइड करने चाहिए मैनेजमेंट को इसके अलावा डिसीजंस मेकिंग में स्टाफ के अच्छे रिलेशन बनाने में तो ये सारी चीज़ें आपके यहाँ इन्वॉल्व हो जाएगी ऑप्शन डी विल भी करेक्ट टेंथ नंबर क्वेश्चन है हमारा एज़ पर जो है कंपनी है यहाँ लेस आर हावर्ड सॉरी कंपनी नहीं एज पर ये पर्सन है हावर्ड मैनेजमेंट ऑडिट इज एन इन्वेस्टिगेशन इन्होंने बोला मैनेजमेंट ऑडिट इज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ बिजनेस आप एक बिजनेस का इन्वेस्टिगेशन करो फ्रॉम दैट डैश इन ऑर्डर टू असर्टेन क्या असर्टेन करने के वैदर द साउंड मैनेजमेंट प्रिविलेज थ्रू आउट कि क्या इस पूरे ई साल में मैनेजमेंट है उन्होंने अच्छे से काम किया है या नहीं ये इन्वेस्टिगेट करना ही मैनेजमेंट ऑडिट है क्या कौन से लेवल को आप इन्वेस्टिगेट करे हो हाइएस्ट लेवल टू डाउनवर्ड लोवेस्ट टू अपवर्ड ईधर ए और बी ऑप्शन सी तो यहाँ आंसर हो जाएगा हम हाईएस्ट लेवल को चेक करते हैं हाईएस्ट लेवल टू डाउनवर्ड ऊपर से टॉप से डाउन की तरफ आते हैं कि क्या हर एक का मैनेजमेंट ने इफेक्टिवली करा है या नहीं किया गया तो ये टेंथ नंबर क्वेश्चन था आई होप सो ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे इसी तरह के और क्वेश्चंस को देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए